नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव खेरा और आज टेनर ने भारतीय बाजार में अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। बहुत ही दिनों के बाद कंपनी अपना कोई नया फ़ोन लेके आई है, लेकिन ये एक बजट सीरीज का स्मार्टफोन है जिसका नाम है टेनर D2, यानी ये पिछले साल लॉन्च हुए टेनर का अपग्रेड संस्करण है। तो चलिए देखते हैं कि इसके बॉक्स में आपको क्या कॉन्टेंट मिल रहा है और फ़ोन कैसा है और उसके स्पेसिफिकेशन कैसे हैं। सबसे पहले मैं इसके बॉक्स को खोल लेता हूँ। बहुत ही स्मूथली ये बॉक्स खुल गया है और आप देख सकते हैं कि एज़ यूजुअल हमेशा की तरह ये ऊपर में आपको ये स्मार्टफोन मिलेगा, जो कि काफ़ी हद तक टेनर डी की तरह ही देखने में लगता है। पर एनीवे, फ़ोन को ऑन करके मैं साइड में प्लेस करता हूँ, इसके बारे में हमेशा की तरह बाद में बात करेंगे। अभी मैं आपको बॉक्स कंटेंट दिखाता हूँ और ये ऊपर है इसकी क्विक स्टार्ट गाइड और ये वारंटी कार्ड, इसको हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। इसमें आपको ये सेम इजेक्टर टूल मिल जाएगा, एक पावर अडैप्टर दिया है। हम इसकी वोल्टेज चेक कर लेते हैं, 5 वोल्ट 1 एम्पियर का ये चार्जर है और इसके साथ आपको माइक्रो यूएसबी केबल भी मिल जाएगी, यानी जब आप इस स्मार्टफोन को ख़रीदेंगे तो ये सारी एक्सेसरी आपको इस फ़ोन के साथ मिलेगी। अब इसके डिज़ाइन की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़ोन काफ़ी हद तक टेनर डी की तरह ही दिखता है, पर इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलेगा। वहीं बैक साइड पर सिंगल कैमरा दिया है, स्पीकर ग्रिल है, नीचे की तरफ आपको ये माइक्रो यूएसबी स्लॉट मिल जाएगा और इसका 3.5 एमएम ऑडियो जैक ऊपर की तरफ दिया है। राइट साइड में वॉल्यूम रॉकर की और पावर बटन है और इसके लेफ्ट साइड में आपको ये सिम ट्रे मिल जाती है। ओवरऑल डिज़ाइन आपको बजट फ़ोन की तरह ही दिखेगा, कुछ खास इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। हालांकि डिस्प्ले आपको शायद पसंद आए, 5.45 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले दिया है, 18:9 रेशियो का ये डिस्प्ले है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टच रिस्पॉन्स बेहद ही स्मूथ है, आपको इसमें कोई परेशानी नहीं आने वाली। साथ साथ आपको बता दूँ कि कंपनी ने इसमें स्नैपड्रैगन 425 चिपसेट दिया है और इसके दो वेरियंट्स पेश किए हैं, यानी 2 GB रैम के साथ 16 GB की इंटरनल स्टोरेज और दूसरा है 3 GB रैम के साथ 32 GB की इंटरनल स्टोरेज। और जो मेरे पास मॉडल है इसमें आपको 32 GB की स्टोरेज मिल जाती है। और अब एक बार देख लेते हैं कि क्या हम इसकी मेमोरी को एक्सपैंड कर सकते हैं या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि डेडिकेटेड स्लॉट दिया है मेमोरी एक्सपैंड करने के लिए, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। आपको अपने सिम कार्ड से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, अगर आपको 2 GB रैम मॉडल लेना है तो आप मेमोरी कार्ड डाल के इसको यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा इसमें आपको 3200 mAh की बैटरी मिल जाती है। अब बात करें इसे कैमरास की, तो इसमें आपको 13 MP का रियर कैमरा मिलेगा और शटर स्पीड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फास्ट है। हालांकि कैमरा क्वालिटी के बारे में अब जज करना मुश्किल है क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन है, पर हम फ्रंट कैमरा देखें तो 5 MP का फ्रंट शूटर मिल जाता है आपको, ब्यूटी मोड्स के साथ आता है और इसमें आपको LED फ्लैश लाइट भी फ्रंट में मिल जाती है। ओवरऑल देखा जाए तो फ़ोन के स्पेसिफिकेशन अच्छे हैं, कीमत भी डिसेंट है, पर ये खास तौर पर उन्हीं के लिए है जो कम बजट में एक अच्छा स्मार्टफोन लेने की सोच रहे थे। हालांकि आप बता दूं कि कंपनी ने इसमें फेस अनलॉक मोड भी मुहैया कराया है और इसमें जो सॉफ्टवेयर दिया है एक बार चेक कर लेते हैं, वो है एंड्रॉयड ओरियो, नियर स्टॉक एंड्रॉयड है। टेनर के लगभग सभी स्मार्टफोन्स में आपको नियर स्टॉक एंड्रॉयड मिलता है। तो देखा जाए तो फ़ोन अपने बजट के हिसाब से डिसेंट है। 2 GB रैम वाले वेरियंट की कीमत है 6,999 रुपये, जबकि 3 GB रैम वाले वेरियंट की कीमत है 7,999 रुपये। पर एनीवे, अगर आप इस फ़ोन के बारे में और जानकारी चाहते हैं या चाहते हैं कि मैं इसका रिव्यू बनाऊं, तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं। साथ साथ हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें।